हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं मिथिलेश विश्वकर्मा, फुलफिल डिज़ायर इंडिया से, और हमारे साथ हैं दिनेश वर्मा और धर्मराज वर्मा, जो कि आज हमारे साथ ट्रेजर हंटिंग में हमें सपोर्ट करेंगे। कुछ भी चीज़ें मिलती हैं तो इनके हेल्प से हम वो आपको निकाल के दिखाएंगे। और आज जो हमारे पास मशीन है, आप देख सकते हो, ये मशीन है माइन लैब का यूक्विनॉक्स 600, और ये मशीन ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ आपको दे सकती है, जो कि इसकी कॉइल है ये 15 इंच कॉइल में है। अभी तक हमने जो मशीनें यूज़ की हैं वो मशीनें छोटी थी, 6 इंच कॉइल, 8 इंच कॉइल या 10 इंच कॉइल के साथ में थी। अभी ये मशीन हम फर्स्ट टाइम ग्राउंड पर लेके आए हैं, जो कि इसकी कॉइल का साइज़ बड़ा है। तो आज हम उम्मीद भी करते हैं कि हमें कुछ स्पेशल चीज़ें मिलेंगी, और इस ग्राउंड पर हम पहले भी आए हैं लेकिन अभी तक हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। तो एक बार हम फिर से ट्राई करने चल रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा और आपको हम दिखाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और ये मशीन कैसे चलती है। तो आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। और बहुत हैवी मशीन नहीं है ये, बिल्कुल हल्की मशीन है। अभी हम इसमें सिर्फ आयरन को बंद किए हैं और बाकी चीज़ों को, सेंसिटिविटी लेवल को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, और उसके बाद अभी हम वॉल्यूम को भी सेट कर देते हैं। इसमें वॉल्यूम को मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम ये, मैंने इसे अभी सेट कर दिया है, मैक्सिमम कर दिया है वॉल्यूम को। और अभी हम ट्रेजर हंटिंग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमें कुछ भी मिलेगा तो हम आपको ज़रूर आपको दिखाएंगे। अभी जैसे आप देख रहे हो, ये जो है ये सिल्वर फॉइल वगैरह है, इन पे साउंड कर रहा है। यहाँ पर कोई मेटल बता रहा है लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 13-14, और ये ऊपर ही कोई मेटल है, तो अभी हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। हम आज थोड़ा सा जो डीप में मिलेगा वो हम देखेंगे। ये एक कोई ढक्कन है, इस पे साउंड कर रहा है, आप देख सकते हो, और जिसका सिग्नल आ रहा है 23। एक बार हम पिन पॉइंट करके देख लेते हैं। इस जगह पर बता रहा है, और ये ऊपर ही कोई मेटल है। तो धर्मा एक बार चाहो तो चेक कर लो, ठीक है, ऊपर ही कोई मेटल है यहाँ पर। ज़्यादा अंदर नहीं है, ये ऊपर ही होगा। यही था क्या? एक मिनट लगाना, ये नहीं है, एक मिनट हटना। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये कोई ऊपर ही मेटल है, और ये जो खुदाई किया ना, तो इसमें वो कोई मेटल जो था भी वो इधर आ गया है। तो ये देखो, ये जो है ये पन्नी है, जो एल्युमिनियम की पन्नी होती है ना उस पे, और इसका जो सिग्नल आ रहा था वो 1 और 2 ऐसा बता रहा था। ये देखिए, ये देखो, इस पे साउंड कर रहा था, ठीक है। तो इसका जो सिग्नल आ रहा था 1-2 आ रहा था। फिलहाल हम और कुछ देखते हैं। तो चूंकि हम दिल्ली सिटी में हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो कूड़े कचड़े की पन्नियाँ होती हैं वही चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हमें स्पेशल यहाँ पर खोजने को मिले।
सेम सेम यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो एक सिग्नल हमें मिला है जो कि 16 और 17 आ रहा है, और इसकी थोड़ा डेप्थ भी ज़्यादा आ रही है, आप देख सकते हो 16-17। तो एक बार हम इसे चेक करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। धर्मा देख, बार देखो ज़रा, ये थोड़ा डिफरेंट है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें जो मेटल निकलेगा उसे थोड़ा डिफरेंट निकलेगा। चेक करने दो, थोड़ा उसे पीछे करो, वो लेके पीछे जाओ ना। देखो अभी जो मेटल का साउंड मिल रहा था हमें यहाँ पर 15-16 की जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी वो हमें अब यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी मेटल था वो यहाँ आ गया। तो एक बार धर्म चेक करो, इसमें नहीं है, फेंको एक मिनट। इसमें भी नहीं है, देखो कहाँ गया, इस जगह पर है, हाँ यही है। तो आप ये देख सकते हो ये जो सिल्वर की चूड़ियाँ होती हैं, ये देखो ये उस पर सिग्नल दे रहा था, तो ये सिल्वर की चूड़ी है जो कि टूटी हुई है, इस पर 15-16 का सिग्नल दे रहा था। अभी यहाँ पर ये कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, इसी पे साउंड कर रही थी ये देखिए, लो रखो इसे। यहाँ भी वही सिग्नल आ रहा है, धर्मा ये देखो जरा, अभी तक तो सारे सिग्नल एल्युमिनियम के आ रहे हैं, हैं यहाँ पर सब वही है ना, वही तो कह रहा हूँ सारे सिग्नल उसी के आ रहे हैं। इधर कचड़ा के अलावा कुछ नहीं है, एक मिनट रुकना जरा देखूं, तो यहाँ से हट गया ना, यहाँ आ गया, देखो इसी में आया, देखो जरा कोई छोटा सा ही मेटल होगा, ये क्वाइन है, इसी पे बहुत रहा था, देखो पैसा है, लगाना जरा इसी पे लिखा हो, शादी का सोने का अंकल जी देखने तो अभी बताते हैं, एक क्वाइन मिला है हमें, अभी इसे साफ करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये कॉपर होगा, पीतल जो बोलते हैं ना,
ये उसका क्वाइन है जिस पे साउंड कर रहा था ये। ये देखिए इस पे साउंड कर रहा था। तो इतने बड़े मेटल को ये भी ये एक फीट तक काम करता है। ये रखो इसे, अभी नहीं कर रहा है ना। ऐसा है यार, देखना जरा यहाँ पर। ऊपर ही होगा कुछ, अबे पहुंचा है गहराई तक। लेकिन यह है का थोड़ा और आगे से लेके, जगह ही आई है यार। हाय ठाई भाई, यही होगा लगता है ना। बहुत अंदर नहीं है, ऊपर ही है। ये साफ करो, हाँ थोड़ा साफ करो इसे। बगल ही नहीं हो सकता, ज्यादा गहरी नहीं बताओ ना। सबसे बड़का गड्ढा ही है यह। बस पहुंच गया, आपके पहुंच गया, पहुंच गया। खनकता है, खनखनाहट यह है। एकदम देख लिया, अब ऐसे आगे नहीं जा पाए। ये इतना साफ करा दे धर्मा, एक दाएं खूब मार दे। एहम नहीं यार, देखा देखा साउंड इधर से ही आ रहा है ना, यहीं पर है, इसी को साफ करो बस। एक बार रुको, पूरा कचरा ही कचरा भरा है यार। धर्मा रुको, खत्म। ये है टारगेट। इतनी खुदाई करने के बाद में ये देखिए मिला क्या है, एल्युमिनियम की पन्नी। इसमें पूरा एल्युमिनियम है, बड़ा सा था एक फीट नीचे तक ये बता रहा था। देखो ये डेढ़ फीट तक नीचे तक बता रहा है। तो भाई बहुत मेहनत कर ली आज, और आज का वीडियो हम करते हैं एंड। और फिर किसी दिन किसी और ग्राउंड पर आपको जो भी मिलेगा वो हम फिर दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये हमारी ट्रेजर हंटिंग आपको पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ट्रेजर हंटिंग और देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।